हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टेलीप्राइम की है और टेलीप्राइम में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम कंपनी को एडिट कर सकते हैं। कंपनी को एडिट करना मैंने पहले भी सिखाया है, लेकिन दो व्यूअर हैं जो हमारे चैनल पर चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप कंपनी, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है कि कंपनी को एडिट करना बताइए, यानी कंपनी में अगर हमें ये देखना हो कि हमने क्या डाला है क्या नहीं डाला है या फिर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो कहां से जाकर के चेंज कर सकते हैं। दूसरे व्यूअर हैं जिन्होंने ये पूछा है कि अगर हमें परचेस वाउचर में डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास करनी हो तो कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को एडिट करके दिखाता हूं, ठीक है। इसे एक्टिवेट कर लेता हूं और यहां पर आ जाते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली पर है, ये येलो कलर की ये लाइन बन गई है, इट मींस कि ये एक्टिवेट हो गया है। अब यहां से हमें क्या करना है, F3 प्रेस करना है कंपनी में जाने के लिए और अल्टर कंपनी पर चले जाइए। कंपनी में जो भी एंट्री पास की है आपने वो सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। ये देखिए इस तरह से एंट्री पास की है आपने। अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें चेंज करना, जैसे मान लीजिए बुक बिगिंस फ्रॉम है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/5/2020, ठीक है। यहाँ पे ये हमने कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो ये जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 मई हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस तरह से करके चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या आपने डाला है। अब यहां से मैं वी प्रेस कर लेता हूं और परचेज वाउचर में आ जाता हूं। परचेज वाउचर में अगर डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास करनी है तो कैसे पास करेंगे, सबसे पहले तो आप मोड चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप जिस मोड में होंगे वो आपका आइटम इनवॉइस मोड होगा, ठीक है। तो यहां पर आइटम इनवॉइस मोड कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आपको कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है और ये डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से आपको, और आपको आ जाना है वाउचर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ वाउचर के फॉर्म में आ गए। अब यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। 1 दिसंबर को हो रही है ये परचेजिंग और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो कुंदन सिंह हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ये सारी डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए कि 7000 का सामान आप खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर परचेस अकाउंट रहेगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स आएगा तो यहाँ पे कीबोर्ड कर देता हूँ। तो कीबोर्ड मान लीजिए कि 62 क्वांटिटी परचेस किया और 1 क्वांटिटी की कीमत रही 100 रुपए, तो 62 की कीमत हो गई 6200 रुपए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बेसन लिया है हमने, बेसन का स्टॉक आइटम बनाया है तो मान ले लेते हैं, और 1 किलो बेसन की कीमत कितनी रही, तो 80 रुपए के हिसाब से यहाँ 800 रुपए आ गया, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए ये इस तरह से एंट्री पास होगी, ठीक है। नरेशन यहाँ डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लें। अब इसको दिखा देता हूँ, ये जो एंट्री हमने अभी पास की है कुंदन सिंह, यही थी हमारी वो एंट्री, एंटर किया। अब इसको प्रिंट देना है, ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए इसका यहाँ पर। तो ये देखिए ये प्रीव्यू इस तरह से नजर आएगा आपका कुछ, तो ये देखिए ये हमारी जो एंट्री हमने पास की थी वो कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों लोगों की प्रॉब्लम इस छोटे से शॉर्ट वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।